हाय बच्चों, ये वीडियो दो टाइप के बच्चों के लिए, एक जिनका स्कोर अभी भी 300-350 पे अटका हुआ है और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करने वाले हैं, वो बच्चे और चाहते हैं कि यार एक डेढ़ महीने में मेरा स्कोर प्लस 200 हो जाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली पेपर प्रिडिक्ट करने वाले हम लोग साथ बैठ के 2023 का कि किन टॉपिक से आ रहे हैं। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में लूंगी, आज करूंगी बायो, कल करूंगी फिजिक्स और परसों करूंगी केमिस्ट्री। प्लीज अंडर 7-8 मिनट्स वीडियो बनाऊंगी, वेरी शॉर्ट, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो बेटा जब मैं लिविंग वर्ल्ड की बात कर रही हूं आप लोगों के सामने, टैक्सोनॉमी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने पिछले 8-10 ईयर्स का एनालिसिस किया है, 10 क्वेश्चंस आए हैं। सो टैक्सोनॉमी तो मतलब 100% 23 में क्वेश्चन आएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स का भी क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चंस आए, कॉन्शियसनेस वाला क्राइटेरिया पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पाए हैं, ग्रोथ एंड क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग पे सिर्फ एक क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन एज अ क्राइटेरिया पे एक क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्शियसनेस, टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। आइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है। मोनेरा पे 15, वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स पे 14, तो ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको अगर आपने नहीं किया आपके नंबर कट जाएंगे, क्वेश्चन आएगा। फंगस से 7, मोनेरा की इंट्रोडक्शन से 6, मोनेरा के सरफेस अपेंडेजेस में हो गया फ्लैजेला सीलिया पाइला से 5 क्वेश्चन, बाकी सब एक बराबर, राइट? देखिए एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियो, जाइगो, बैक्टीरियल सेल कल्चर क्लासिफिकेशन इतने, ये देखिए इसे कहते हैं स्क्यू, राइट? लगभग 30 क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में मोनेरा और वायरॉइड प्रियॉन्स वायरस से आए हुए हैं। सो ये मैंने ओवरऑल बता दिया कि यार इन इन टॉपिक से पिछले 10 सालों में इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर आपको दिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किन टॉपिक से आ रहे हैं, राइट? इट बिकम्स वेरी इजी, राइट एवरीबॉडी? ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन से लगभग 8 क्वेश्चन, राइट? क्राइसोफाइटा पे 4 क्वेश्चन, स्लाइम मोल्ड पे 2, प्रोटिस्टा की इंट्रोडक्शन पे 2, लाइकन्स, प्रोटोजोआ, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड लाइफ साइकिल के क्वेश्चन। सो यू कैन सी यहां भी ब्लू ग्रीन एल्गी उसके एग्जाम्पल्स कैसा होता है, और पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे। Then आएगा आपका क्राइसोफाइट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फाइंड आउट कि पढ़ना क्या है। अब देखिए एल्गी और ब्रायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन मोनिशियस डाइशियस वाला एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म, पर सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गी और ब्रायो, हेटेरोस्पोरी, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और क्लासिफिकेशन सब बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गी, ब्रायो एंड एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। आइए ब्रायोफाइट्स पे, प्लांट किंगडम पे, ब्रायोफाइट्स पे लिवरवॉर्ट्स, ग्रीन एल्गी, टेरिडोफाइट्स, रोडोफाइट्स। तो आपको लगभग आप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आप सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, राइट? जैसे फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे 32, फ्रूट्स पे 18, मॉर्फोलॉजी पे 10, सीड पे 10, फैमिलीज पे 8, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पे 3, मॉर्फो ऑफ रूट्स पे 3, एंड सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो आपका फ्लोरल फॉर्मूला। अब ये देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स एंड फ्रूट्स के टाइप सबसे ज्यादा इस पे, रूट आपको नहीं करना इतना, सिर्फ आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम किया, मैक्सिमम क्वेश्चंस है, तो आप नंबर कहां खोदोगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ऑटोमेटिकली आपकी नजरों के सामने आ चुका है, यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द पेपर। वीनेशन पे 2 क्वेश्चन, इनफ्लोरेसेंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे 1-1 क्वेश्चन, एनाटॉमी ऑफ रूट्स पे 9 क्वेश्चन, केम्बियम पे, कॉक केम्बियम पे 7, एंड एपिडर्मल जिसमें गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स के क्वेश्चन से, वैस्कुलर केम्बियम पे 4, जाइलम पे 4, मोनोकॉट स्टेम पे 4, फ्लोएम पे 3, मेरिस्टोमैटिक टिश्यू हैज 3 एंड मोनोकॉट लीफ हैज 3, बट आर यू एबल टू सी मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ रूट एंड फेलम, फेलो, पेरिडर्म, फेलोडर्म, एक्टिविटी ऑफ कॉक केम्बियम, वुड मोनोजाइलिक, राइट? किस टाइप की वुड है, टाइप्स ऑफ वुड, हार्ड, सॉफ्ट, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे 2, सेकेंडरी जाइलम, डाइकॉट स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ 1, बट टाइप्स ऑफ वुड इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस केम फ्रॉम राइबोसोम्स, राइट? राइबोसोम्स एंड आरआरएनए, मैक्सिमम साइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम,
देन माइटोकॉन्ड्रिया देन न्यूक्लियस. सो तीन ऑर्गेनेली सबसे ज्यादा पढ़ने, देन पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लास्टिड, गोल्जी अपैरेटस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बट राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम से लगभग 25 क्वेश्चंस आर देयर. सीलिया, फ्लैजेला तीन, साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, वैक्यूल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लाइसोसोम्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट, डीडो बॉडीज आर ऑल, एक एक दो दो क्वेश्चन. लाइसोसोम्स, सेल थियोरी, एविडेंस ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, राइट, एंड माइक्रोबॉडीज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड पैकेजिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस, राइट. सेल साइकिल मियोसिस से 17 क्वेश्चंस, जस्ट सी. सेल साइकिल एंड इंटरफेस से 14, माइटोसिस 8. तो सबसे पहले मियोसिस करना है, फिर इंटरफेज, सेल साइकिल G1S G2M, फिर माइटोसिस करना है. दैट इज हाउ यू नो. स्टोमेटा मैंने पहले ही बोला, स्टोमेटा से 7, ट्रांसपिरेशन से 4, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन शॉर्ट डिस्टेंस, एसिड टॉक्सैप हार्डली, डिफ्यूजन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लाज्मोलाइसिस कोई इंपॉर्टेंट नहीं. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन थियोरी, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके अलावा सब कुछ आप छोड़ सकते हो. मिनरल के फंक्शंस, ऑब्वियसली उसमें भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके के फंक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, टू थिंग्स यू आल्सो हैव टू बी फिक्सेटेड फॉर, टू थिंग्स. ये कैन यू सी दिस डिफरेंस? तो यार अगर मैं नोड्यूल फॉर्मेशन पे ध्यान दे रही हूं, मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दे रही हूं, बट फिक्सेशन पे, एरोबिक एनारोबिक आई एम नॉट पेइंग, मतलब आई एम गोइंग टू यू नो अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार रही हूं, आई एम डूइंग दैट. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट ऑल. C4 साइकिल से 6, लाइट रिएक्शन 4, डार्क रिएक्शन 3, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 3, फोटो रेस्पिरेशन 3, फोटो सिस्टम 3, क्लोरोप्लास्ट 3, हिस्टोरिकल व्यू. दिस इज ये ओवरऑल यू नो इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सब करना है. बट C4 साइकिल, C3, C4, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट. ओवरऑल यू कैन सी दिस टॉपिक ओवरऑल इज इंपॉर्टेंट. लाइट रिएक्शन, पिगमेंट्स के दो क्वेश्चन, C4 प्लांट के एग्जाम्पल्स नोबडी इज गोइंग टू आस्क. CAM pathway, Emerson enhancement, factors affecting, ek ek do do question. That's all. Right, everybody? Very important. Aerobic respiration, 5. Krebs cycle, 4. Glycolysis, 4. Fermentation, electron transport chain, amphibolic nature, oxidative phosphorylation, aap chhod sakte ho. But aerobic respiration and Krebs cycle is most important. Auxins and all the hormones. Basically, auxin pe maximum question aaye. See, auxin and auxin function means nearly 15 questions. Gibberellin pe bhi questions aate hain. Photoperiodism, then seed germination, abscisic acid, growth model, differentiation. Okay. Not like, oh my god, types. Righto! Differentiation, ek. Ethylene, ek. Growth terminology, 1. Aate hain asexual reproduction pe. 6 questions. Asexual, sexual, 12th pe enter kar chuke hain. Right? 4 questions of events during sexual reproduction. Tissue culture pe sirf ek question hai. Now, very important. See this. Outbreeding devices and pollination, 22 questions followed by 10 questions from pistil. Very, very important. Seed ki layer, seed, stamen. But ye dikh raha hai aapko, dicotyledony, dichogamy. Yes, everybody. Pollination, types of pollination, maximum questions. Phir female gametophyte, right? Egg apparatus pe question, phir seed, phir stamen, phir endosperm pe question aata hai. Then aapko pata hai apomixis. So aap agar ye top ki cheeze kar loge, aapko pata hai paper isi mein se aayega. Finally, fruit, pistil, stamen. We have already entered 12th, guys. Dhyan dijiye, main kal physics, parso chemistry bhi karaungi. Double fertilization, embryo, pollen and post pollination thing is also important. Now let's come to principles of inheritance and variation. Dominance and deviation from Mendel, jisme aayega co-dominance and incomplete dominance, 14 question. Monohybrid cross, 8 questions. Genetics ki introduction, 7 questions. Aneuploidy, 2n plus 1, 2n minus 1, Down syndrome, 6 questions. Sex inheritance, 6. Linkage important hai. Dihybrid pedigree abhi itna important nahi raha. Pleiotropy pe question aayega, specifically 4 questions on pleiotropy. Sex determination, chromosomal basis of inheritance. See, this is how it is going. Epistasis pe hardly question. Gene mapping pe no, hardly ek do question.
डिथैलेसीमिया हीमोफीलिया, बाकी एटलीस्ट नाम तो लिए कि एक एक दो दो क्वेश्चन है, बाकी के तो नाम ही नहीं लिए। सेग्रीगेशन की थ्योरी पे क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, सो यू नो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डबल हेलिक्स, ये तीन चीजें पढ़ के जाइए अलॉन्ग विद जेनेटिक और नंबर फोर। मैक्सिमम मॉलिकुलर बेसिस के क्वेश्चन यहां से आएंगे, लैकोपेरॉन उसके बाद पढ़िए, देन डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर, फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड द जेनेटिक कोड। मैक्स क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। आते सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल पे तीन, डीएनए पैकेजिंग पे दो, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स पे एक या दो क्वेश्चन, एंड आरएनए डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल। माइक्रोब्स पे देखिए बेटा, केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इससे क्या बनाया, उससे क्या बनाया, राइट, कौन सी चीज का, 14 सीवेज ट्रीटमेंट, मैक्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आना है सीवेज ट्रीटमेंट पे, राइट। देन वी कम टू बायो कंट्रोल एजेंट, क्वेश्चंस विल कम, बायो फर्टिलाइजर, बेवरेजेस, राइट, बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, एंड बायोगैस, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सीवेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल एजेंट एंड केमिकल्स एंड एंजाइम्स। आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट, ऑक्सिन कहां यूज होगा, जिबरलिन कहां यूज होगा, एआरसीएस, ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन, साइटोकाइन एंड शूट फॉर्मेशन, मैक्स क्वेश्चंस। देन एनिमल हस्बेंड्री, राइट, डिजीज रेजिस्टेंस पे, क्वालिटी पे, स्टेप्स पे, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सिंगल सेल प्रोटीन, एक दो क्वेश्चन आने का चांस है। लेट्स मूव टू द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12। देखिए कॉम्पिटिशन, पॉपुलेशन इंटरक्शन से कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिशन में मैक्स क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, यस, पिरामिड्स, पॉपुलेशन कैरेक्टर्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, कमेंसालिस ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म पे क्वेश्चन आएंगे, ग्रोथ कर्व्स, राइट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इज कॉम्पिटिशन। आइए अडेप्टेशंस, इंटरक्शन, पॉपुलेशन प्लस माइनस कहां हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट, और इज इट अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप और इज अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप, प्रे प्रेडेटर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, यस एवरीबॉडी, पॉपुलेशन कैरेक्टर्स, मॉर्टैलिटी, नेटैलिटी, नॉर्मल, एक एक क्वेश्चन जो ग्राफ बना हुआ है, पिरामिड्स पे 9 क्वेश्चन, मिनरल साइक्लिंग पे 8 क्वेश्चन, डीकंपोजिशन पे 6, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, इंट्रोडक्शन, कॉम्पोनेंट्स, कम्युनिटीज, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पिरामिड्स, मिनरल साइक्लिंग एंड डीकंपोजिशन, इस पे क्वेश्चन आएगा। इन सीटू एक्सीटू देख लो, सबसे पहले इन सीटू, लॉस ऑफ बायो, इन सीटू एक्सीटू आएगा ही, टोटल नियरली 20-21 क्वेश्चंस, बायोडायवर्सिटी लॉस, मैग्नीट्यूड, बायोडायवर्सिटी पैटर्न्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, वॉटर पोल्यूशन, ओजोन लेयर, एयर पोल्यूशन, ये कर लिया, पॉल्यूशन ओवर, मैक्स क्वेश्चंस, मैक्स्ड आउट, राइट, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ग्रीन हाउस पे क्वेश्चंस है, सॉलिड वेस्ट पे क्वेश्चंस है, रेडियो एक्टिव एग्रोकेमिकल वेस्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वॉटर पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, एयर पॉल्यूशन, इस पे मैक्स क्वेश्चंस है। एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्स आउट, स्टडी ऑफ एवीज एंड मैमल्स 9 क्वेश्चन, एनलिडा पे 8 क्वेश्चंस, प्लैटीहेल्मिंथस पे 8 क्वेश्चंस, कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस पे 6 क्वेश्चंस, आता है डिफरेंस, सीलेंट्रेटा पे 6 क्वेश्चंस, विदाउट जॉ एग्नाथा पे 5 क्वेश्चंस, एस्केहेल्मिंथस मॉलस्का पे 5 क्वेश्चंस ईच आर देयर। कैन यू सी दिस, पोरिफेरा पे 3, एम्फीबियंस, कॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हेमिकॉर्डेटा, रेप्टिलिया, ओके ओके। कॉकरोच पे क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल एपिथीलियम, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल पे क्वेश्चंस आए हैं, द रेस्ट एक एक दो दो, कॉकरोच के हेड पे पहले क्वेश्चंस आते थे, कंपाउंड एंड स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम पे अभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट बेसिकली सिंपल एपिथीलियम, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड कॉकरोच, वैसे भी इस साल के बच्चों के लिए तो हटा दिए। देखो कॉकरोच के सिस्टम्स, इन डिटेल ऑफ कॉकरोच नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई नहीं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच पे फिर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स पे 5, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल पे 4, इंजाइम इनहिबिशन कोफैक्टर्स इंपॉर्टेंट, बट कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलुलोज, काइटिन, इन्यूलिन, अगार
एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स पे क्वेश्चंस आए हैं, अमाइनो एसिड्स पे, एंजाइम्स पे, लिपिड्स पे, एक एक दो दो. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंजाइम एक्शन जो मैंने आपको दिखाया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द एंजाइम एक्शन. राइट एवरीबॉडी, आगे बढ़ते. लिपिड्स पे भी एक, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे एवरी सेकेंड थर्ड ईयर एक क्वेश्चन आने का चांस है. अब आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस पे 11 क्वेश्चंस. सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में करो सब. हिस्टोलॉजी पे 2-3 क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस पे, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस पे, प्रोटीन एनर्जी पे है, जनरल यू नो एब्जॉर्प्शन पे है, बाइल पे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस फ्रॉम माउथ टू एनस. आपको सिक्रीशन रटा हुआ होना चाहिए. सबसे ज्यादा क्वेश्चन है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस पे. फिर ऑब्वियसली एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पे म्यूकस लेयर क्या होगी, सीरस लेयर क्या होगी, सिक्रीट क्या करेगा, बट गैस्ट्रिक सिक्रीशंस पे सबसे ज्यादा है. जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इन दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा है. अगर आपने ये तीन कर लिया, रेस्पिरेटरी के लगभग 90% आप कर लोगे. वॉल्यूम कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बाकी सब आप कर लोगे. एक आधा क्वेश्चन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, ट्रेकिया की एनाटॉमी पे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे. राइट एवरीबॉडी, सो ब्लड पे क्वेश्चन आएंगे, ब्लड वाला है, ब्लड पे क्वेश्चन आएंगे. ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा, सीरम, एंटीबॉडी. डबल सर्कुलेशन पे 9 क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग पे 7 क्वेश्चन. सो ब्लड, ब्लड की ग्रुपिंग एंड नॉर्मल डबल सर्कुलेशन, ईसीजी, ह्यूमन हार्ट की कार्डियक साइकिल, ब्लड क्लॉटिंग पे 2-2, 3-3, 3-3, 4-4 एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे. राइट, सो दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन 1-2 क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह, ये ज्यादातर क्वेश्चन होंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन यूरिया है, कौन अमोनिया है, कौन यूरिक एसिड है, हीमोडायलिसिस, किडनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ओके ओके, राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो मेन इज रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और वेस्ट, बाकी सब आप सेकेंडरी कर सकते हो. स्टर्नम एंड रिब्स, साइनोवियल जॉइंट, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम सबसे ज्यादा क्वेश्चन. Then neuromuscular junction, appendicular skeleton, sliding filament theory, myofilaments, पर सबसे important is sternum और ribs वाला, false rib कितने, true rib कितने, sternum, synovial joints and disorders of the muscular system. आई आपने जरूर करना है सबसे ज्यादा, फिर आपने synapse करना है, आई की adaptations करनी है, nervous system में autonomic nervous system करना है, vestibular apparatus वगैरह बाद में. सबसे important है आपकी आई, right? आई पे तो question आएंगे ही आएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. एक्शन पोटेंशियल, ईईजी, ईईजी पे कोई क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन, कॉकलिया वगैरह, नर्वस सिस्टम, ओके. आई, आई को सबसे ज्यादा कीजिए, हर साल एक क्वेश्चन आया है. राइट, एक्शन पोटेंशियल पे, मेड्यूला पे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे, ये लिपिड है, ये प्रोटीनेशियस है, पैराथायरॉइड पे, पिट्यूटरी पे, थायरॉइड ग्लैंड पे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं. कॉर्टिसोल, हाइपोथैलेमस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, 2-2, 3-3 सबसे ज्यादा मेड्यूला, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, पैराथायरॉइड, प्रोलैक्टिन एंड पिट्यूटरी. राइट, पैंक्रियास, पीनियल ग्लैंड, स्लीपिंग साइकिल, जनरल कंसिडरेशंस, नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन पे, फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुलेशन पे, लूटियल फेज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस पे एंड इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. फिर आपके इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्टोमीसो, एंडो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल ओवरी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फीटल डेवलपमेंट एंड लूटियल फेज एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इम्प्लांटेशन, बाकी एनाटॉमी, टेस्टिस वगैरह की चलती रहेगी, एक आधा क्वेश्चन है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रोसेप्शन, ये सब है. सबसे इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स, हार्मोनल कॉन्ट्रोसेप्टिव, देखो हर साल आता है, और इनफर्टिलिटी, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई, एआई, ये कर लिया खत्म, और कॉन्ट्रोसेप्शन के मेथड्स. सो ये राइट, एसटीडीज कर लीजिए, कॉन्ट्रोसेप्शन के मेथड्स कर लीजिए, इनफर्टिलिटी, जिफ्ट, गिफ्ट कर लीजिए, और कॉन्ट्रोसेप्टिव स्पेशली हॉर्मोनल कर लीजिए. एवोल्यूशन में एविडेंसेस, होमोलोगस, एनालोगस, नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, हार्डी विल बंगलो, बस
बाकी तीन चार डार्विन्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा, केमिकल पे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस, नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन और ह्यूमन के पहले पहले कौन था अलोंग विद हार्डी विनबर्ग लॉ, राइट एवरीबडी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्डी विनबर्ग लॉ, डार्विन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, स्पीसिएशन, बाकी सब बाद में आपका चलता रहे। सिलेक्शन, ड्रिफ्ट के बीच में डिफरेंस, होमोसेपियंस, ह्यूगो डिवरी से एक आधा क्वेश्चन, यूरे मिलर से एक आधा क्वेश्चन, इन सबसे भी क्वेश्चन आए हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो थे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, करेक्ट एवरीबडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एवोल्यूशन, ओल्डर थियोरीज, इन पे कोई क्वेश्चन आते नहीं। इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एलर्जीज, ड्रग्स, एड्स, ये चार चीजें कर ली आपका लगभग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यही है। एंड ह्यूमन इम्यून सिस्टम, बी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल क्या करते हैं, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये आपका क्रक्स है। उसके बाद पढ़िएगा थोड़ा सा कैंसर एंड टाइफॉइड पे तो क्वेश्चंस आते हैं, एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, निमोनिया, अमीबियासिस, फंगल इंफेक्शन, एक एक दो क्वेश्चन आने का चांस है। लेट अस कम टू बायोटेक, एंजाइम्स, वेक्टर्स, प्रोसेसेस, पीसीआर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब लगभग 30 क्वेश्चंस इन्हीं से आए हैं। देन सिलेक्टेबल मार्कर पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, बायोरिएक्टर, डाउनस्ट्रीमिंग, अपस्ट्रीमिंग, सब बाद में, करेक्ट। डिजायर्ड डीएनए, इंट्रो, हिस्ट्री, जो मेन टॉपिक से मैंने आपको बता दिया। बीटी क्रॉप पे क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे क्वेश्चन आएंगे, बायोपायरेसी एथिकल इश्यूज पे आएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम अराउंड 30 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के हैं। देन जीन थेरेपी एससीआईडी पे क्वेश्चंस आएंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे आएंगे, प्रोब पे आएंगे, बट बीटी कॉटन्स, इंटरफेरेंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एथिकल इश्यूज आप छोड़ के नहीं जा सकते। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कल फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे डेप्थ में टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगी, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पूरा पीडीएफ डॉक्टर वाली बायोटॉरिक फॉर रीड पे दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिंक कर दूंगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।